हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIA 3 के जुलाई मंथ के अपडेट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो है जुलाई मंथ का अपडेट जो है रिलीज कर दिया गया है आज, और ये अपडेट का जो साइज है वो है 8 MB का, यहाँ तक कि 8.7.1 MB का, यानी 9 MB के लगभग यहाँ पर जो है अपडेट का साइज है। और इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें फिक्स हुई हैं और कौन कौन से बग्स जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये MIA 3 का लास्ट अपडेट है, तो ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि लास्ट अपडेट के अंदर मैं बताऊँगा आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल, और ये अपडेट कितना सेफ है आपके फ़ोन में करना या नहीं करना, और इसके बाद हम चलेंगे कस्टम रोम की तरफ। अगर ये अपडेट्स के अंदर जो है बग फिक्स नहीं हुए होते हैं या फिर कुछ स्पेशल चीज़ें जो हम मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो सब चीज़ें हमें इसमें नहीं मिलती हैं, तो हम कस्टम रोम की साइड चलेंगे। बाय द वे, अभी हम जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा इसे इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। यहाँ पर जो है डिवाइस पूरा अपडेट होकर इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर जो है ये इसका लास्ट मंथ का अपडेट हैगा, लास्ट ईयरली अपडेट हैगा, 3 साल का आखिरी जो अपडेट है वो है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे 9 MB के अपडेट के अंदर हम यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाय द वे, फिर भी हम यहाँ पर जो है इसका जो पूरा अपडेट का रिव्यू है वो जल्द लेकर आएंगे। बाकी ये अपडेट के अंदर मैं आपको बताता हूँ मेजर कुछ चीज़ें फिक्स हुई हैं या नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ अपडेट जो है जुलाई मंथ का हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो अपडेट हैगा वो एंड्रॉयड 11 का जुलाई मंथ का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस एक जुलाई 2022 का सिक्योरिटी पेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। ये इसका लास्टली अपडेट था जो कि आज यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इस अपडेट से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वापस से फिक्स हुई होंगी, या फिर नेटवर्क इशूज़ गया, बैटरी इशू गया कि नहीं गया, कैमरे के अंदर तो कोई इशू आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला जो कैमरा है जी कैम उसमें आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा जी कैम के अंदर। बाकी जो मोबाइल का स्टॉक एंड्रॉयड वाला कैमरा उसमें यहाँ पर बहुत थोड़ा बहुत लेग्स हैं, यहाँ पर इश्यूज बन रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड में इशू है, तो वो सब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, इस रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि जो है इसके अंदर जो है ये बग फिक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इशू, ये देख सकते हैं आप एक इशू तो हमें यहीं पर देखने को मिल गया है। यहाँ पर कोई होम पे नहीं जा रहा है फ़ोन, ना बैक जा रहा है, तो इस प्रकार के लेग्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो ये हो सकता है कि हम जो है इसको कस्टम रोम में लेकर के जाना पड़ सकता है अगर ऐसी ही बनता चला तो। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो जी कैम है देखो, ये फिंगरप्रिंट की ये हालत है, मतलब ये अपडेट तो वाकई यार बहुत बेकार दिया है। ये देख सकते हो आप कितना है, मतलब क्या है यार। जी कैम के अंदर भी मैं बता देता हूँ जी कैम किस प्रकार से काम कर रहा है। जी कैम में भी अभी थोड़ा सा लेग मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि फ़ोन अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर वैसे मुझे स्मूथनेस तो थोड़ी कम दिख रही है, वीडियो के अंदर बराबर स्मूथनेस दिख रही है, कैमरे के अंदर भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी जो फ़ोन स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें लेग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है मेन कैमरे में थोड़ा सा लेग्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस अपडेट के बाद में, मैं आपको वो रिव्यू में बताऊँगा, बैटरी के हाल भी रिव्यू में बताऊँगा। तो ये अपडेट अगर अभी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, रिव्यू वीडियो देख कर करें तो ज़्यादा बेटर है। एंटीनो स्कोर भी मैं आपको उसमें देख करके बताऊँगा क्या रहा है क्या नहीं रहा है पहले के मुकाबले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।